जामताड़ा एसपी मनोज स्वर्गियारी की अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस क्राइम मीटिंग में एसपी ने सभी थाना प्रभारियों से पुराने केसों के बारे में जानकारी ली, साथ ही अनुसंधान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं नारायणपुर में हुए डकैती कांड के उद्भेदन को लेकर जरूरी टिप्स दिए। क्राइम मीटिंग में एसपी ने कहा कि क्राइम कंट्रोल को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, साथ ही जो भी पुलिस पदाधिकारी केस डिस्पोजल कुर्की वारंट डिस्पोजल में अच्छा काम करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। जामताड़ा से गौतम मंडल की रिपोर्ट। आज मार्च महीने का क्राइम मीटिंग रखा गया था, तो उसमें हम लोग जो पुराने केसेस है, क्या क्या केसेस हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है, और उसका अनुसंधान किस डायरेक्शन में जाना चाहिए उसका गाइडेंस और डायरेक्शन दिया गया। इसके अलावा जो आने वाले इलेक्शंस हैं, पंचायत इलेक्शंस, तो उसमें जो हम लोग को तैयारी करना है उसमें भी जो दिशा निर्देश देना है दिया गया है। और जो चोरी का घटना या 390 को डकैती का जो भी है उसका हम लोग वेतन के डायरेक्शन जो सब कार्रवाई करना है उसके बारे में डिस्कस किया। हर थाने को केस डिस्पोजल का टारगेट दिया गया है और वारंट कोर्ट की तरफ भी डिस्पोजल का टारगेट दिया गया है। टारगेट के अनुसार अगले महीने में जो मीटिंग होगा उसमें निकलेंगे और जो भी अच्छा ऑफिसर काम करेगा अच्छा करेगा उन लोगों को रिवार्ड दिया जाएगा, जो सफल नहीं होगा अपने कार्य में उन लोगों को जो डिसिप्लिन एक्शन लेना होगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।